सभी का आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक। वॉर रूम में 1-to-1 संवाद, सीएम गहलोत, प्रभारी रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा फीडबैक ले रहे। कांग्रेस के भावी कार्यक्रमों पर चिंतन मनन और सुझाव, कांग्रेस की भावी चुनावी तैयारी को लेकर सुझाव लिए जा रहे। हरीश मीना से फीडबैक पूरा, कांग्रेस वॉर रूम में जुटे हैं कांग्रेस दिग्गज। निर्दलीय विधायक सुरेश टाक फीडबैक देने पहुंचे। मंत्री रामलाल जाट, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, विधायक मंजू मेघवाल, विजयपाल मिर्धा, विधायक राकेश पारेख, विधायक हरीश मीना, गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा भी पहुंचे हैं वॉर रूम। वॉर रूम के दोनों ओर बैरिकेडिंग को लेकर ऐतराज जताया तो पुलिस अधिकारियों को बुलाकर कहा कानून व्यवस्था पर ध्यान दो, ये किलेनुमा बैरिकेडिंग का क्या औचित्य है। हमारे पूरे संभागों के विधायकों को बुलाया है, जो चुनाव लड़े हुए हैं उनको बुलाया है, फिर पार्टी के जितने भी हमारे पीसीसी मेंबर हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस है 19 तारीख को। मैं समझता हूं कि इलेक्शन की पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जरूरी है, हर संगठन के लिए वही कर रहे हैं। कैसे इम्प्रूवमेंट हो, कैसे चुनाव में जाएँ, तो उससे पहले पूरी तैयारी के साथ जाएँ। 24 अप्रैल से जो लाभार्थियों को जो भी हमारी चुनावी बजट घोषणाएं हुई है उनका लाभ कैसे सुनिश्चित किया जाए, वो कैंप लग रहे हैं पूरे राजस्थान में, वो कैंप कैसे सफल हों, और जो भी घोषणाएं बजट में हुई है आम आदमी के फायदे के लिए उनका लाभ उन तक पहुंच जाए, तो ये एक्सरसाइज चल रही है। जन जन के बीच में प्रचार प्रसारित कर सकें उसके बारे के अंदर बता सकते हैं, और भी जो गाइडलाइन होगी उस गाइडलाइन को हम रंधावा साहब, सीएम साहब और डोटासरा जी के माध्यम से जो एएससीसी हमें निर्देश देगी उसके अनुसार जमीन पर जाकर उसका प्रचार करेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता रिपीट हो इस प्रकार का पूरा प्रयास करेंगे। जो मौके की स्थिति है, जो फील्ड की वो स्थिति है, हमारे हाईकमांड को अवगत कराएंगे ताकि उनको पता लगे फीडबैक क्या है और पार्टी को आने वाले चुनाव के लिए कैसे मजबूती के लिए तैयार करें। तो विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जब जारी हुआ तो उन्होंने कहा कि जो फील्ड की स्थिति है उसको बताया भी जाएगा, साथ ही साथ ये कहा कि कांग्रेस अगला चुनाव जीतेगी, यही उम्मीद है, यही कोशिश है और लगातार जारी है लोगों से जुड़ना। और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। योगेश जी, फीडबैक 1-to-1 संवाद शुरू हो चुका है और ये बताया जा रहा है कि रघु शर्मा जब पहुंचे तो उन्होंने बैरिकेडिंग को लेकर भी कहा क्या औचित्य है, तो वहीं अब एक एक करके सुरेश टाक जो है वो बताए जा रहे हैं, उनसे अभी फीडबैक चल रहा है, किस तरह का ये 1-to-1 संवाद हुआ है। देखिए, लगातार जो फीडबैक का सिलसिला है वो इस वक्त शुरू हुआ। हरीश मीणा और अभी रामलाल जाट जो कि भीलवाड़ा के मंडल से विधायक है, इस सरकार में रेवेन्यू मिनिस्टर है, उनसे बात की जा रही है। सीनियर मोस्ट वो लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। रंधावा, सीएम गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा फीडबैक ले रहे हैं, एक एक करके विधायकों से बात की जा रही है। जो मोटे तौर पर जो बिंदु है वो यही है कि किस तरह से फिर से सरकार बने इसको लेकर एक अमूल्य सुझाव दिए जाने चाहिए। आपस की तमाम बातों को भूलकर अब आगे बढ़ने की जो आवश्यकता उस पर विचार किया जाना चाहिए। और जो एक अशोक गहलोत ने एक विकास की जो योजनाओं का खाका खींचा है और जो राहत कैंप महंगाई के खिलाफ एक आवाज़ बुलंद राजस्थान से हुई है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वोट विकास के नाम पर पड़े ये माहौल बनाने की आवश्यकता पैदा होना चाहिए राजस्थान में। तो फीडबैक के जरिए रघु शर्मा कुछ देर पहले पहुँचे। रघु शर्मा ने सचिन पायलट के अनशन को लेकर जब मीडिया ने पूछा कि उनके विचार क्या है तो रघु शर्मा ने यही कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दों पर जो भी बात सचिन पायलट ने उठाई है उस पर प्रायः फेसी जाँच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। और सचिन पायलट भी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और उन्होंने कहा अशोक गहलोत की लीडरशिप को लेकर कि जिस तरह की सरकार ने काम किए हैं वो माइल स्टोन है और उन विकास योजनाओं के बल पर सरकार लाई जा सकती है, ये बात भी रघु शर्मा ने दोहराई है। और इसके साथ ही जो फीडबैक का सिलसिला है, हरीश मीणा जो मिले तो जो जानकार सूत्र बता रहे हैं कि हरीश मीणा ने सचिन पायलट को लेकर बात की कि सचिन पायलट के से जुड़ा जो मसले हैं वो सुलझाने की आवश्यकता है, एकता की
बात जो है वो उन्होंने की है, और उसके अलावा कुछ मंत्रियों की कार्यशैली पर भी हरीश मीणा ने निशाना साधा है, खासतौर पर विकास के कामों को लेकर मंत्रियों की यहाँ जाते हैं और काम उस दिशा में नहीं हो पाते। ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर आवाज़ बुलंद हुई है, और अब रामलाल जाट हैं, उसके बाद एक एक करके प्रत्येक कांग्रेस पार्टी का जो विधायक है जो जो अजमेर संभाग में आता है उससे मुलाकात होगी, उससे बात होगी, और दोपहर के बाद आफ्टर लंच ये कहा जा रहा है कि जो जोधपुर संभाग है वहाँ के जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के वो मिलेंगे। किशनगढ़ से जो निर्दलीय विधायक है सुरेश टाक उन्हें भी बुलाया गया है, वो पार्टी के इंडिपेंडेंट विधायक है लेकिन कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए भी उनको बुलाया गया है। तो राजस्थान में एक मिथक तोड़ने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये काम आसान नहीं। कितने लोगों से, कितने विधायकों से वन टू वन हो चुका है, और जिनसे हो चुका है उनसे किस तरह की बातचीत रही, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, वन टू वन व्यक्तिगत हुआ है, और अभी तक जिन विधायकों से वन टू वन हुआ है वो बाहर भी नहीं आए हैं, लगभग 3 विधायक है जिनसे वन टू वन हो चुका है। तो ऐसे में कहा जा रहा है 15 से 20 मिनट एक विधायक को लगभग दिए जा रहे हैं अपनी बात कहने को लेकर। और जो बात आपने की कि किस तरह का फीडबैक हुआ है, क्योंकि नितांत गोपनीय है और जो फीडबैक है ये सभी लोगों के बीच में नहीं हो रहा, विधायक से अकेले बात की जा रही है, तो वो विधायक अकेले में अपनी क्या बात कह रहा है वो शायद हमें नहीं बताए, लेकिन ये ज़रूर है कि जो पैरामीटर्स जो रखे गए हैं इस मीटिंग के, वो पैरामीटर्स में आगे सरकार कैसे लाई जानी चाहिए, आपके विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान की गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उनका कितना असर है, वोटों में योजनाएं तब्दील किस तरह हो पाएंगी, क्या काम वहाँ का विधायक कर रहा है, और क्या काम ऐसे हैं मोटे तौर पर जो वहाँ किए जाने की आवश्यकता है, और जातीय क्षेत्रीय गणित किस तरह का है, भारतीय जनता पार्टी वहाँ किस तरह से एक्टिव है, जन आक्रोश जो बीजेपी के कार्यक्रम हुए उसका कितना असर वहाँ के लोगों में है, नए जिले बने हैं उनका कितना असर है, ये तमाम बातें हैं। बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं इस बार गहलोत सरकार ने दी है राजस्थान की जनता को, एक मेगा बजट हमने देखा था, उस बजट के बाद का असर कितना है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बातें उठी है उनमें एक बात तो साफ तौर पर सामने आएगी, कांग्रेस की एकता की, कि तमाम प्रमुख लीडर्स एक मंच पर नजर आने चाहिए और एकता के साथ कांग्रेस को आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम जो ये विधायकों की आज की सूची देख रहे हैं तो हरीश मीणा को सचिन पायलट का समर्थक माना जाता है, राकेश पारिक को सचिन पायलट का समर्थक माना जाता है, रघु शर्मा उन नेताओं में से जो सीधे तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से जुड़े हैं, राहुल गांधी के नज़दीकी नेताओं में उनकी गिनती होती है, वो गुजरात के प्रभारी भी हैं, तो वो तटस्थ नेता है, वो अपनी राय देंगे तो खुलकर राय देंगे कि क्या कांग्रेस की बेहतरी के लिए, क्या कांग्रेस की बहबूदी के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है और किस तरह। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो रिपोर्ट कार्ड का अर्थ है कि एक एक विधायक जो मिल रहा है सुखजिंदर रंधावा से, उससे पहले उसका रिपोर्ट कार्ड सुखजिंदर रंधावा के हाथों में है, और रंधावा को पता है कि उस विधायक की क्या परफॉर्मेंस है, उस विधायक ने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में कितनी भागीदारी निभाई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब निकली थी राजस्थान में, उस वक्त जो टेम्पू बना था कांग्रेस पार्टी का, जो उत्साह के साथ राजस्थान के प्रत्येक कांग्रेसी ने उस यात्रा में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, वो टेम्पू बना रहे, बरकरार रहे, और आगामी दिनों में जब चुनाव में कांग्रेस सरकार, क्योंकि देखिए अभी अजमेर जो संभाग है वहाँ के जो विधायक हैं उनसे ये वन टू वन संवाद चल रहा है, अगर वहाँ के समीकरण देखें या कांग्रेस वहाँ पर रूट पर किस तरह से है, उन चीजों को आपसे योगेश जी समझना चाहेंगे। देखिए, अजमेर जो जिला है, अजमेर जिले में कांग्रेस पार्टी के केवल 2 ही विधायक चुनाव जीते हैं, और अजमेर कांग्रेस के लिए एक कहा जा सकता है कि एक 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 तरह से कांटों भरे इलाका रहा है। पुष्कर कांग्रेस आ रही, अजमेर के दोनों शहर लगातार पिछले 30 सालों से कांग्रेस आ रही है, केकड़ी से कांग्रेस के विधायक रघु शर्मा जीते, मसूदा से कांग्रेस के विधायक राकेश पारिक बने,
किशनगढ़ में कांग्रेस आ रही, हालांकि वहाँ जो निर्दलीय विधायक है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, नसीराबाद कांग्रेस आ रही, ब्यावर कांग्रेस आ रही, तो एक तरह से कहा जाए अब ब्यावर को राजस्थान की गहलोत सरकार ने जिला बनाया है तो इसका कितना असर होगा। तो हम मोटे तौर पर बात करें तो अजमेर के अंदर कांग्रेस की स्थिति मजबूत नहीं कही जा सकती। अजमेर का जो जातीय क्षेत्रीय समीकरण है वो भी कांग्रेस पार्टी के लिए उतना मजबूत नहीं कहा जा सकता। रावत वहाँ के बड़ा वोट बैंक है, वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका झुकाव नजर आता है। इसके साथ ही वहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर अगर हम पूरे लोकसभा की बात करें तो वहाँ ब्राह्मण मतदाता बड़ी संख्या में है, वहाँ पर राजपूत मतदाता भी हैं, जाट मतदाता भी हैं। जाट समाज के बड़े नेता सांवरलाल जाट बीजेपी के कहे जाते थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बाद का जो असर है वो कितना है। सचिन पायलट खुद अजमेर से सांसद रह चुके, वो केंद्र में मंत्री भी रहे थे और उसके उस दौरान कांग्रेस पार्टी को बड़ी संख्या में सीटें मिली। लोकसभा का उपचुनाव जब अजमेर में हुआ था पिछले राज के दौरान, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने जीता था चुनाव, रघु शर्मा सांसद बने थे बाई इलेक्शन जीतकर। तो अजमेर का पूरा गणित अलग तरह का है, एक कॉस्मोपॉलिटन कहा जा सकता है अजमेर को। देवनानी अनिता बदेल के खिलाफ आज भी अजमेर शहर में कांग्रेस पार्टी के पास कोई बड़ा लीडर वहाँ नजर नहीं आता जो उनको चुनाव हरा सके। पुष्कर में नसीम अख्तर विधायक बनी है कांग्रेस पार्टी की, अब फिर से वहाँ बीजेपी के विधायक है। ब्यावर लगातार कांग्रेस पार्टी पिछले कई सालों से चुनाव वहाँ हार रही है। तो ये ऐसे समीकरण हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए अजमेर चुनौतीपूर्ण है। और वहाँ संघ का नेटवर्क भी है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है जो कांग्रेस पार्टी के लगातार चुनौती। अभी हम बात करें तो अजमेर से सांसद है बीजेपी के भागीरथ चौधरी, तो किशनगढ़ से लेकर हम ब्यावर तक चलते हैं, या हम विजयनगर जो लास्ट बॉर्डर है अजमेर जिले का उससे लेकर हम पुष्कर तक चलते हैं, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को बहुत मेहनत की आवश्यकता है। रघु शर्मा एक बड़े विराट नेता के तौर पर अब अजमेर के टुकड़े करके केकड़ी को जिला बनाया है, ब्यावर को जिला बनाया है, और लोकसभा की बात करें तो दूदू भी जिला बनाया है, तो कितना असर इन तीन जिलों के निकलने से वहाँ कांग्रेस को मिलेगा ये दूरगामी बात है, भविष्य के गर्भ में इसका चुनावी असर कितना होता है। नागौर की स्थिति की अगर हम बात करें तो नागौर में कांग्रेस पार्टी मजबूत रही, यह अलग बात है कि हनुमान बेनीवाल से मुकाबला हुआ, हनुमान बेनीवाल ने खींवसर का उनके भाई ने उपचुनाव जीता, मेड़ता की सीट आरएलपी के पास है, खींवसर की सीट आरएलपी के पास है, लेकिन बाकी सीटों पर कांग्रेस पार्टी का वहाँ प्रभुत्व है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक है, चाहे वो महेंद्र चौधरी हो नावा से, चाहे वो डीडवाणा से चेतन डूडी हो, चाहे वो विजयपाल बिरदा में। और क्योंकि अब इन सीटों को बहुत सारी सीटों पर अब नजर कांग्रेस की भी है और उन्हीं को कैसे जीतना है, साधना है, ये भी एक कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी इस पूरी जानकारी के।